हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए शिमला की एक टूर गाइड लेके आया हूँ। अगर आप शिमला घूमने आते हैं तो आपको किस तरह से कहाँ पे स्टे लेना है, किस तरह से शिमला में घूमना है, कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे आप शिमला में अच्छे से घूम सकते हैं। तो इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, तो मैं शिमला का ही रहने वाला हूं और 25-26 साल से मैं शिमला में रह रहा हूं। मेरा जन्म भी एक्चुअली में यहीं पे हुआ है, तो इसीलिए जो जानकारी मैं आपको अभी इसमें देने वाला हूं वो शायद आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। तो इसीलिए गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा और कोशिश मैं करूँगा कि आपको लो से लो बजट में शिमला घुमाने में आपकी मदद कर पाऊँ। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपनी गाड़ी पार्क करने की सबसे अच्छी जगह कौन सी रहेगी, सबसे अच्छा होटल कौन सा रहेगा, सबसे बेस्ट जगहें कौन कौन सी है शिमला सिटी के अंदर जो आपको घूमना चाहिए, जहां पे ज़रूर जाना चाहिए, और उसके अलावा कहां पे आपको शिमला की स्पेशल डिशेस में शिमला के जो स्पेशल फूड है वो कहां पे आपको खाने के लिए मिलेगी। तो इस बारे में हम पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो पार्किंग के बारे में। तो अगर आप चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ से शिमला की तरफ आ रहे हो तो सबसे पहले पार्किंग जो आपको मिलती है वो मिलती है आपकी ISBT के पास। ISBT के पास एक बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा दूसरी जो पार्किंग है वो है आपकी लिफ्ट के पास। अब मैं पार्किंग आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पे पार्किंग करनी है, क्योंकि शिमला जो है शिमला ओवर क्राउडेड है, बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे चली जाती है सुबह और शाम। जो ट्रैफिक यहाँ पे लगता है ना, दुनिया भर का ट्रैफिक लगता है, हम लोकल जितने भी लोकलाइट्स हैं हम सब परेशान हैं उस ट्रैफिक की वजह से। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप जो है अपनी गाड़ी आराम से पार्क कीजिए। दूसरी बात करते हैं कि होटल आपको कहाँ लेना चाहिए शिमला में। शिमला जो है काफ़ी वास्ट एरिया में फैला है, 7 अलग अलग पहाड़ियों पे शिमला घुमा हुआ है। तो शिमला का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो है दरेज शिमला या फिर मॉल रोड। जो मॉल रोड शिमला है उसके आसपास ही आपको जो है होटल्स ढूंढने हैं। अगर आप मॉल रोड शिमला, प्रॉपर मॉल रोड शिमला पे ढूंढते हैं तो वहाँ पे आपको जो होटल्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो इसीलिए कोशिश करना है मॉल रोड से लगभग 5-7 मिनट की दूरी पे, 5-7 मिनट थोड़ा दूर हो बेशक होटल, इतना टाइम आपको मॉल रोड पर आने को लग जाए, उतनी दूरी पर आपको जो है वहाँ पे होटल ढूंढना है, वहाँ पे आपको बुक करना है। क्योंकि वहाँ पे आपको जो होटल है ऑफ सीजन में 600 से 1000 रुपए तक आपको इजीली होटल मिल जाते हैं, और ऑन सीजन जब सीजन पीक पर रहता है तो उस टाइम पे आपको जो है 1000 रुपए से 2000 के बीच में होटल आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो बाकी होटल्स ढूंढने से पहले एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है कि रिव्यू सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर ये शिकायत शिमला में बहुत से गेस्ट से सुनी भी है कि होटल में लोग पहले जाते हैं, पहले तो वो जो गेस्ट पे रिसेप्शनिस्ट है या फिर होटल का जो स्टाफ है अच्छे से बात करेगा, लेकिन जैसे ही आप पैसे दे देते हैं या रूम बुक कर लेते हैं उसके बाद आपकी कोई केयर नहीं होती, बदतमीजी से आपसे बात करेंगे। तो इसीलिए पहले रिव्यू चेक कर लीजिए, रिव्यू में अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये इनकी सर्विसेज अच्छी है तो फिर आपको वहाँ पे रूम लेना है। बिल्कुल सस्ते के लालच में अगर आप जाएंगे तो रूम बहुत गंदे होंगे, चादरें धुली नहीं होगी, अनहाइजीनिक तरीके से बहुत से होटल्स आपको मॉल रोड पे भी मिल जाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल सावधानी के साथ जो है आपको अपना होटल भी ढूंढना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी मैं आपको अलग से किसी अच्छे और हाइजीनिक होटल के पर भी वीडियो बना सकता हूं। तो अगर आपका कोई ऐसा सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हमने बात कर ली पार्किंग की, गाड़ियों की बात भी कर ली, अब हमने होटल्स की बात भी कर ली कि कहाँ आप रहेंगे। अब हम तीसरी बात करेंगे कि शिमला में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, शिमला के घूमने के कौन कौन से सबसे बेस्ट प्लेसेस हैं। तो सबसे पहला प्लेस जो है शिमला में घूमने का वो है आपका मॉल रोड शिमला। मॉल रोड शिमला काफ़ी बड़ा है और वहाँ का जो नाइट व्यू है ना, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। तो उस शिमला के जो मॉल रोड का जो नाइट व्यू है उसको आप फील कर सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद रात को 10 बजे तक आप फ्रीली जो है मॉल रोड पे घूम सकते हैं। जो लाइटनिंग वहाँ की होती है ना, बहुत अमेजिंग होती है, और बिल्कुल पहाड़ पर पहाड़, उस मॉल रोड से जो आसपास के जो लोकल और पहाड़ भी दिखाई देते हैं और लोकल जो शहर है वहाँ के बड़े अच्छे दिखाई देते हैं वहाँ से। तो आप नाइट लाइफ को बहुत इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा मॉल रोड पर ही आप हॉर्स राइडिंग का मजा ले सकते हैं। हॉर्स राइडिंग वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। हॉर्स राइडिंग के बाद आपका वहाँ पे चर्च है, चर्च के साथ आपको बहुत सारे वाटर फाउंटेंस भी आपको मॉल रोड पे मिल जाते हैं। आपका वहाँ पे रिज है, रिज पे आप अपना इंजॉय कर सकते हैं, अपनी इवनिंग को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा
सनसेट आपको शिमला से देखने को भी मिल जाता है। मॉर्निंग की अगर हम बात करें, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट रहता है। और मॉल रोड और रिज घूमने का जो सबसे अच्छा समय रहता है वो आपका मॉर्निंग रहता है और इवनिंग रहता है। दिन में अगर आओगे तो दिन में क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए या तो आप सुबह के समय आओ जब बिल्कुल खाली रहता है, नेचर को आप अच्छे से फील कर पाएंगे, या फिर उसके अलावा आप जो है नाइट को शाम को जो है शिमला का पूरा फील ले सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने कि मॉल रोड एक सबसे पहला है आपको घूमने के लिए, जो आप इजीली फ्रीली वहाँ पे घूम सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी वहाँ करने को है। उसके बाद दूसरी जगह है लक्कड़ बाज़ार। लक्कड़ बाज़ार जस्ट मॉल रोड के संजौली की तरफ को एक रोड जाती है, बस उधर की तरफ को आपको निकल ले जाना है और वहाँ पर आपको लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। और एक सीक्रेट की बात अगर मैं आपको बताऊं, लक्कड़ बाज़ार बेशक वो शिमला में है, लोगों को ये भी लगता है कि वहाँ पे जो चीज़ें बनी है वो सारी शिमला से बनी है या शिमला की लकड़ियों की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जितना भी सामान आता है वो हरिद्वार और सहारनपुर से वहाँ पे आता है, और बस वो लक्कड़ बाज़ार सिर्फ उसका नाम दिया गया है। लक्कड़ बाज़ार का जो मेन नाम है वो उस वजह से, क्योंकि ठीक उस लक्कड़ बाज़ार के ठीक नीचे जो है एक लक्कड़ बाज़ार है ओरिजिनल, वहाँ से ही उसका नाम जो है लक्कड़ बाज़ार पड़ा। वहाँ पे लकड़ी का एक डिपो है जिस कारण उसका नाम जो है वो लक्कड़ बाज़ार पड़ा है। बाकी वहाँ पे जितने भी लकड़ी की बनी हुई चीज़ें होती है वो सहारनपुर हरिद्वार से आती है, हरिद्वार यूपी से आती है, तो इसलिए कोई उसमें स्पेशल ऐसा नहीं है कि हाँ शिमला की बनी हुई कोई चीज़ है। और वहीं पे आपको ड्राई फ्रूट्स की कई शॉप्स दिखाई देती है, तो ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेना चाहते हैं शिमला से तो वो भी आपको लक्कड़ बाज़ार में अवेलेबल हो जाता है। दो जगह मैंने आपको बता दी, मॉल रोड, दूसरा बता दिया आपको लक्कड़ बाज़ार। इसके बाद तीसरी जगह जो वहाँ पे है वो है कालीबाड़ी टेम्पल। कालीबाड़ी टेम्पल शिमला का बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। काली माता का वो मंदिर है और बहुत अमेजिंग जगह है, वहाँ से आसपास का जो व्यू है वो भी बहुत प्यारा है। इसके बाद चौथी जो जगह है शिमला में घूमने के लिए वो है जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल के बारे में आपने जाना सुना होगा, और सबसे पहली चीज़ वहाँ पे आपको सावधान रहना होगा वहाँ के बंदरों से, क्योंकि वहाँ के बंदर जो है जैसे ही आप जाएंगे कोई ना कोई शरारत आपके साथ वहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास कुछ भी कीमती सामान है तो उसको आप बिल्कुल भी अपने साथ ना ले जाएं, होटल में आप जो है अपने रूम में आप अपने कीमती सामान को रखें और उसके बाद फ्री होके आपको उधर चले जाना है। अब जाखू में क्या क्या है घूमने के लिए, सबसे पहली चीज़ जाखू में आपका 108 फुट श्री हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पे आपको मिलेगी, काफ़ी अमेजिंग है, देवदार के पेड़ों के बीचों बीच वो मूर्ति बनी है। दूसरे जाखू के जो आपके बंदर है बहुत ही नटखट है, बहुत ही शरारती है, वो आपको आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएंगे उनकी हरकतों की वजह से। और तीसरा वहाँ पे आपको मिल जाता है रोपवे। तो रोपवे जो है वो मॉल रोड के ठीक पीछे से जाखू के लिए आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। रोपवे से भी अगर आपको रील्स या कुछ वीडियोस बनानी हो बहुत प्यारी रील्स और वीडियोस बन जाती है, फोटोज भी बहुत अच्छी क्लिक आप कर सकते हैं वहां से। तो आप अगर जाखू जाना चाहे तो उसके लिए तीन रास्ते हैं। सबसे पहला तो आप जो है मॉल रोड से सीधी चढ़ाई जो है वो जाखू मंदिर तक, जाखू की पहाड़ी तक आप जा सकते हैं। तो लगभग आपको आधा घंटा, आधे घंटे से एक घंटा भी लग सकता है अगर आप स्लो चलते हो, ठीक है। तो एक घंटा तो समझिए आपको जाने में लगेगा जाखू अगर आप बिल्कुल स्लो चलते, क्योंकि जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, इस तरह से स्टीप चढ़ाई है बिल्कुल। और दूसरा तरीका है कि आप कैब कर सकते हैं, कैब के थ्रू भी आप जा सकते हैं, कैब के थ्रू जाना वैसे ही बहुत इजी है। और तीसरा जो तरीका है वहाँ जाने का वो है रोपवे, आप केबल ट्रेल लाइन के थ्रू भी आप जा सकते हैं, रोपवे के थ्रू भी आप जो है जाखू तक जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो वहाँ का जो किराया है 250-250 के आसपास जो है उस रोपवे का आपका पर पर्सन का किराया रहता है, तो आपको डिसाइड करना है किस तरह से आपको वहाँ पर जाना है। तो ये 4-5 जगह मैंने आपको बताई। इसके बाद शिमला की एक फेमस मार्केट है वो है लोअर बाज़ार शिमला। तो लोअर बाज़ार की जो मार्केट है उसको भी आप घूम सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की वो पूरी मार्केट है और वहाँ पे आपको हर एक सामान जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और शिमला की एक खास बात मैं आपको बताऊँ, शिमला में जो है 3 स्टेप में आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। अगर तो आपका बजट बहुत हाई है, आप ब्रांडेड चीज़ें लेना चाहते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शॉपिंग करनी चाहिए मॉल रोड के ऊपर, क्योंकि मॉल रोड में जितने भी शॉप्स हैं वो वहाँ पे आपको हाई क्वालिटी सामान मिलेगा और ब्रांडेड सामान मिलेगा। उसके बाद अगर आपका मीडियम बजट है तो उसके लिए आपको लोअर बाज़ार को छान मारना चाहिए। लोअर बाज़ार में अगर आप घूमते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, हर तरह की चीज़ें आपको लोअर बाज़ार में मिल जाती है लो बजट के लिए। और अगर लो बजट है, बिल्कुल ही सस्ते दामों में आपको अगर सामान लेना है, तो आप बस स्टैंड की तरफ
जा सकते हैं बस स्टैंड यानी कि जो ISPT की तरफ को जो आपका रास्ता जाता है राम बाजार से होते हुए, उस बाजार से भी अगर आप घूमते हुए जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी सस्ती चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है। और इसके अलावा एक वहाँ पे और है लिफ्ट के पास आजीविका भवन तिब्बती मार्केट, पहले वो तिब्बती मार्केट लक्कड़ बाजार के पास थी लेकिन अभी एक दो महीने पहले वो शिफ्ट हुई है आपकी लिफ्ट के पास के लिए। तो तिब्बती मार्केट में भी बहुत अच्छा सामान जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर रहता है लेकिन जो वहाँ पे क्वालिटी है सामान की वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही गजब की क्वालिटी है। तो वहाँ पर आप जो है शिमला से वापस जाते समय वहाँ से सामान ले जा सकते हैं। इसके अलावा शिमला में ही तीन जगहें और हैं। सबसे पहला तो है आपका म्यूजियम, जो स्टेट म्यूजियम है शिमला का, वहां पे आप जा सकते हैं। शिमला का स्टेट म्यूजियम पड़ता है मॉल रोड से जस्ट 3 किलोमीटर पीछे, चौड़ा मैदान आपको पहुंचना है, आप कैब के जरिए पहुंच सकते हैं या फिर पैदल भी आप चौड़ा मैदान तक पहुंच सकते हैं। चौड़ा मैदान से जस्ट एक स्टीव है ऊपर के लिए रास्ता है और वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ पे आपको मिलता है हिमाचल का स्टेट म्यूजियम। और उसी स्टेट म्यूजियम में बहुत सारे ऐसे पुराने सिक्के रखे गए हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी की जो तलवार है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, और हिमाचल की संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है उस म्यूजियम में मिल जाती है। उस म्यूजियम के ठीक साथ में ही आपको बर्ड नेचर पार्क मिल जाता है जिसमें कि थोड़े बहुत पक्षी हैं वो आप देख सकते हैं। बस उस बर्ड पार्क से थोड़ा नीचे निकलते ही आपको जो है शिमला की एडवांस स्टडी देखने को मिल जाती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, नाम आपने सुना होगा। इंडिया में दो ही है, पहला तो है आपकी चेन्नई में जो कि आपकी साउथ इंडिया में पड़ता है, दूसरा है शिमला में। तो शिमला कभी भी आए तो एडवांस स्टडी आना कभी ना भूले, एडवांस स्टडी के गेट पर पहुंचेंगे वहां आपको टिकट्स मिलेंगी, और टिकट्स में भी ये है कि आई थिंक 50 रुपये का टिकट आपको जो है वहां पे मिल जाता है, और 50 रुपये में आप 1 से 1.5 घंटे जो है वो गार्डन आप घूम सकते हैं। तो गार्डन काफ़ी बड़ा है, लगभग 1 से 1.5 घंटा जो है आपको पूरी एडवांस स्टडी का जो आउटर स्पेस है उसको घूमने में लग जाता है। और दूसरा स्पेस है वहां पे आपको, दूसरा जो स्पेस है वो है एडवांस स्टडी की जो पूरी बिल्डिंग है उसके अंदर लाइब्रेरी है, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पे घटित हुई है। शिमला समझौता जो हुआ था शिमला में वो उसी बिल्डिंग में हुआ था, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इतिहास है, जितनी भी हिस्ट्री है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको उस बिल्डिंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो उस बिल्डिंग के अंदर अगर आपने घूमना है तो उसका भी जो चार्जेस है, उसका जो टिकट है वो अलग से मिलता है। और साथ ही साथ वहाँ आप जो है अकेले नहीं जाना है, वहाँ पे क्या है वहाँ पे एक ग्रुप बनता है, उसका भी एक अलग अलग टाइमिंग रहती है, कुछ कुछ टाइम में अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पे अंदर जाते रहते हैं। तो आपको एक ग्रुप में सबमिट करके जो है आपको पूरे जो बिल्डिंग है एडवांस स्टडी की उसका एक टूर करवाया जाता है, उसकी अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो उस बिल्डिंग के अंदर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं खुद नहीं गया हूँ, मैं आउटर में तो काफ़ी घुमा हूँ अंदर नहीं जा पाया, तो मौका मिलेगा तो मैं वहाँ भी ज़रूर जाऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि शिमला में आपको घूमनी चाहिए। तो अगर इसकी मैं समरी करूँ तो आपको मॉल रोड शिमला सबसे पहले घूमना चाहिए, मॉल रोड शिमला के साथ लक्कड़ बाजार आपको घूमना चाहिए, कालीबाड़ी मंदिर घूमना चाहिए, लोअर बाजार, तिब्बती मार्केट और राम बाजार, ये तीनों बाजार आपको घूमने चाहिए, और इसके अलावा जाखू मंदिर जो है वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये सारी की सारी जो जगहें मैंने आपको बताई इसमें अगर आपको अच्छे से घूमना है तो आपको 2 दिन का समय इसमें लगेगा। और इसके अलावा आपका जो स्टेट म्यूजियम है या फिर एडवांस स्टडी है उसके लिए आपको अलग से 1 दिन आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो एडवांस स्टडी है और आपका जो म्यूजियम है वो एक साथ ही पढ़ते हैं, एक ही जगह पे पढ़ते हैं, तो वहाँ के लिए आपको अलग दिन अगर आप जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शिमला की ये सारी जगहें मैंने आपको बताई जहाँ पे आप जो है 2 दिन जो है आराम से इधर घूम सकते हैं। तो 2 दिन आप पहले तो आप शिमला मॉल रोड के आसपास की जिस जगह मैंने बताई वो सारी घूम लीजिए, उसके बाद एडवांस स्टडी और हिमाचल प्रदेश के जो म्यूजियम है स्टेट म्यूजियम वहाँ पे आप घूम सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं फूड के बारे में कि शिमला का सबसे बेस्ट फूड क्या है और कहाँ पे आपको वो मिलेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको लोअर बाजार घूमना है, तो लोअर बाजार में आपको नत्थू भाई की जलेबी बहुत फेमस है, नत्थू भाई जलेबी एक शॉप आपको वहाँ पे मिल जाती है, नत्थू राम स्वीट्स, तो वहाँ पे आप जो है दूध और जलेबी का आनंद ले सकते हैं, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त जलेबी और दूध वो बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी उनकी होती है। उसके अलावा सीताराम के छोले एक लक्कड़ बाजार मॉल रोड के पास ही लक्कड़ बाजार नाम की जगह है जो मैंने अभी आपको बताई, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे सीताराम के छोले की एक शॉप है वहाँ पे आपको जाना है, और उसका एक चीज़ है कि वो शाम को 2 बजे से 4 बजे तक खुलती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे ही वो शॉप ओपन होती है। तो इसी
टाइम के दौरान ही आपको उस शॉप में जाना है, क्योंकि आगे पीछे वो दुकान बंद रहती है। तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही आपको वहाँ के छोले का टेस्ट लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, क्योंकि मैं भी जब शिमला जाता हूँ तो वहाँ पे मैं हमेशा ज़रूर जाता हूँ। तो इस तरह से आप जो है शिमला में अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी शिमला के बारे में बताई, जो जस्ट सिटी के अंदर ही जो सारी चीज़ें थी। तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो, जो कि शिमला के ऊपर थी, कि शिमला सिटी में आपको किस तरह से आना है, कहाँ पर आपको रहना है, क्या क्या फूड कहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं आने वाली वीडियो में आपको शिमला के आसपास की जो और जगह है उसके बारे में भी इसी तरह से जानकारी देता रहूंगा। तो उम्मीद है कि आपकी आज की जो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी शिमला की जर्नी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।